Hey guys, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से गांव के लिए, और गांव जाने का कारण है गौरी भैया की शादी। तो आपने बहुत बारी मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, लास्ट ऋषिकेश वाले और हरिद्वार वाले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा गौरी भैया हमारे साथ थे। तो आज हम जा रहे हैं गौरी भैया की शादी के लिए, तो मिलते हैं आपको गाँव में और गौरी भैया की शादी के ब्लॉग्स आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं एक और उत्तराखंड का ट्रिप इन्जॉय करने के लिए। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लगेंगे, शादी के ब्लॉग्स जब भी आएंगे। तो यहाँ से तो मैं और भाई जा रहे हैं और मम्मी पापा ऑलरेडी गांव में हैं, तो चलो हम चलते हैं। तो गाइस डिनर डन, हम निकलते हैं सीधे यहाँ से रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर के बाद रानीखेत, रानीखेत के बाद सीधे घर। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रपुर से आगे टांडा के जंगलों में, और अभी फ्यूल अब चल रहा है और उसके बाद निकलते हैं सीधे। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पातली, और यहाँ पे थोड़ी चाय पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं सीधे रानीखेत के लिए। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं रानीखेत, और रानीखेत से अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। रही है देखो भाई, पूरा धुमन्या हो रखा है, यहाँ पहाड़ों में लगी है आग, पूरा धुमन्या हो रखा है। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं रानीखेत से आगे को, और आज हम जाएंगे मंचौड़ वाले रास्ते से, सीधे हम मिलेंगे गगास पे। और अभी हम पहुंच चुके हैं बगवाली पोखर, ये है बगवाली पोखर की मार्केट, और हम रुके थे देदा छोले समोसे के पास कि भाई छोले समोसे खा के जाएंगे, पर अभी वहाँ बने नहीं थे तो हम निकल लिए फिर घर को। और दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं खरेटी के पास, और सामने हमारा गांव भी दिखता है, पर हमारे गांव के लिए जो रोड जाती है ना वो ऊपर से होके जाती है। हर हर महादेव। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने गांव की कच्ची रोड पे, ये देखो ऑफ रोडिंग चल रही है हमारी और काम चल रहा है इस रोड पे अभी भी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने होम टाउन में, और रोड यहां तक रोड है, और गाड़ी अभी हमको छोड़ के जा चुकी है, और ये हमारे घर के लिए जो है 100-200 मीटर का वॉकिंग, ये देखो मस्त, यहां आके भाई अलग ही मस्त वाइब्स आती हैं यार। ये देखो ट्रॉली खींच रहे हैं ये गाइज। पर यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना भाई, वाह मजा ही आ जाता है यार। आपको ट्रॉली अभी आपको पता नहीं विजिबिलिटी कैसे दिख रही है, क्योंकि पूरे पहाड़ों में ना जंगलों में आग लगी हुई है, तो उसका धुआं ही फैल रहा है अभी। और ये हमारा स्वीट होम, ये देखो गाइस ये हमारे गांव के लिए गया रास्ता, और ये हमारे घर के लिए रास्ता। आ बेला, आ बेला, ये हैं, ये देखो गाइस मालकिन साहिबा, नहीं प्रणाम शार्तु बनने कोशिश नहीं करना, जैसे मुतारवे बाप रे ठुलचे लगे झल पकड़ रहे मेरे तो झल पकड़े ना। और ये देखिए मालिक साहब, ये हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, जय हो, इधर रहो, इधर रहो। वाह ये देखा दी, ये बिना गमला हाँ बेटे दिल्ली से आए हैं, ना के चाह ना पान, मैं तुलसी देखो भाई। और ये देखो गाइस खेत में कुछ तो हो रखा है। हे गाइस आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होम टाउन में, माय स्वीट होम। ये देखिए पहाड़ में अपना आसियाना, और ये देखिए और मम्मी जी जो कि हमसे बहुत पहले पहुंचे, और ये देखो ये है हमारी माता जी जो हमसे कितने दिन पहले आ चुका, 10-15 दिन पहले पहुंच चुके थे। और ये हमारे पापा जी, ये देखिए इनके दिल्ली में जैसे कामकाज यहाँ अपने लिए अलग से कामकाज होते, ये जा रहे हैं अड्डा डालने,
अड्डा डालने का मतलब होता है जैसे कि जो कन्याओं होते हैं, जैसे कि जो जहाँ घास वास उगती है ना, वहाँ जो काटे वाटे होते हैं उनको काट के आना होता है, तभी घास जो होगी वो अच्छे से होगी। तो वो काट के पहले आए होंगे, अब वो सूख गए होंगे, तो उसको आग लगाने जा रहे हैं। और जो पहाड़ों में आग लग रही है ना, उसका कारण भी यही है, लोग अड्डा तो डाल देते हैं फिर बुझा के नहीं आते, तो पूरे पहाड़ जल गए हमारे यहाँ। देखो सब काला काला दिख रहा होगा आपको, और ये देखो, और ये आज तो दोनों उत्तराधिकारी आए हुए हैं आज, एक हम और एक ये, ये। में एक साथ बात कर रहे हैं। और ये हमारी आमा, हाँ पहला, ये हमारे हरी दुबई भैया जो हैं, उनकी माता सी। ये देखिए आज अपने मैथ जा रही हैं, ये गाइस बहुत टाइम बाद आपको पहाड़ी चूल्हा दिखेगा। ये देखिए गाइस, इसमें बन रही है हरी सब्जी, ये देखो, ये देखो, और ये खेतों से ही निकाली गई हरी सब्जी, ये खेतों में हमारी हरी सब्जी हो रही है। और ये देखो गाइस, वाह जो टेस्ट होगा ना भाई, इसमें मजा ही आ जाएगा। मम्मी इससे कप बनाना। गाइस अभी फ्रेश फ्रेश होके अभी हमारी चल रही है मॉर्निंग टी, और ये देखो तो घर पर पहुंच चुके हैं और अभी चाय पी रहे हैं। और ये देखो हमारी माता श्री, ये देखो माता श्री, माता श्री की बहुत नराई लग गई थी मेरे को, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मम्मी के साथ ही रहता था पूरे दिन। मम्मी सटक के आ गई घर को, घर में सटकती हूँ, कहाँ सटकती है घर में, घर में सटक। और सबसे ज्यादा खुशी इनको मिलती है घर में, ये देखो लग गए और ये सौर ऊर्जा, और ये आसपास का वेदर, ये देखो। गाइस हमारे गांव में जो नया टावर लगा है ये देखो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कुछ ही टाइम में लग जाएगा, तो इसमें लगेगा BSNL का टावर। गाइस मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट, और इस बीच हम जाके आते हैं शीशा भीड़, मतलब जहाँ पापा गए हुए ना अड़ा डालने के लिए, जो मैंने बताया था आपको। तो चलो हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं पापा क्या कामकाज कर रहे हैं, और भाई का मन बहुत हो रहा है जाने के लिए, चलो चलते हैं। ये है हमारे क्या बोलते हैं उसे, केवाड़। ये गुड्डू चचा की दुकान, और ये जेसीबी आ गई है बाबा ने जेसीबी भेज दी है यहाँ पे। गाइस आपने वो गाना सुना होगा ना पहाड़ का, बेड़ू पाको बारो मासा, तो जो बेड़ू होता है ना उसका पेड़ ये होता है, तो ये बेड़ू अभी हरे हुए हैं, जो ये बेड़ू खाने वाले हैं, और ये जैसे अभी कलर चेंज हो जाएगा इनका जब पकेंगे ना, तो ये हो जाएंगे ब्राउन कलर के और वाइट कलर के। और गाइस ये बेड़ू का पेड़ कब से, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से हम इसको देख ही रहे हैं, बेड़ू पर बहुत फल खाए इससे हमने। टाइम पे जब आते थे ना तो बच्चे इसी में चढ़ते थे सीधे गांव के पगडंडियां, यहां से गांव के बच्चों का स्ट्रगल शुरू होता है, और आज कहीं इतने आगे आगे तक पहुँच जाते हैं, तो ये एक गाँव के बच्चों का जुनून होता है। और ये देखो, और ये देखो गाइस, ये अभी देखो पूरी फसल काट दी गई है, गेहूं की फसल हुई थी ना जो, काट के घरों में पैक हो चुका है, और इसको आप बोलते हैं मोशार खुल गई, मतलब आप जानवर यहाँ पे चढ़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और ये अटैलू बंदूक झटैलू गोई आखमा मारो भिलम गोई वाला जो डायलॉग होता है ना, तो जो अटैलू बंदूक बनती थी वो इसी से बनती थी, और इसी में कुछ दाने होते हैं उनको अटैलू बंदूक झटैलू गोई बोलते थे। और ये हमारी अम्मा पहला हो, यहाँ देखो ये खेत आ चुके हैं जहाँ से गेहूं की फसल कट चुकी है, और वो कतूर देवता का मंदिर, जय कतूर देवता की जय हो। हाय, अरे बकरियां भी चल रही हैं यहाँ ये, और लो अरे वहाँ यहाँ तो बढ़िया रहो, यहाँ लग चुका है। अब ऊपर को जैसे फैल रहा है, तो पापा और भाई वहाँ पे बुझाने के लिए चले गए, और यहाँ वाला भी जली रहा है,
देखो ये देखो, आज आपको एक और नई चीज दिखाता हूँ। ध्रुड़कोटा माट बोलते हैं इसे, ध्रुड़कोट यानी कि जो दीमक होता है ना इसके अंदर, अगर इसको फोड़ूंगा ना मैं अभी दीमक ही दीमक निकलेगा। तो जैसे जनेऊ वगैरह के टाइम पे ना, जब जनेऊ वगैरह होता है तो इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है पूजा में। और जो महर्षि वाल्मीकि जी ने जब तपस्या कर रहे थे ना, तो उनके शरीर को दीमक ने जकड़ लिया था और ये यही वाला ध्रुड़कोट का मिट्टी उनके पूरे शरीर पर लग चुकी थी। ये देखो, ये है ध्रुड़कोट का मठ, दीमक ही दीमक होता है इसके अंदर। तो गाइज अड़िया बढ़िया डाल के आ चुके हैं और अभी अब वापस घर के लिए जा रहे हैं और अब ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं बगवाली पोखर जाने का सीन बनता है या नहीं। तो और ये देखो, ये भाई है और पापा भी आ रहे हैं।